जनता के फेवरेट शो अनुपमा में जो बरखा हमेशा से अनुपमा का बुरा चाहती आई है, जिसने अनुज को भी मौत के कुएं में धकेलने की कोशिश की थी, लेकिन अब यही बरखा अनुपमा की हेल्प करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब बरखा काफी हद तक सुधर गई है और वो माया को कपाड़े हाउस में देख खुश नहीं है, और वो ये भी अच्छे से जानती है कि माया के इरादे नेक नहीं है। यहाँ तक कि बरखा ने मान को ये तक यकीन दिलाया है कि माया पूरे घर में ताक झांक करती रहती है और अनुज अनुपमा के कमरे के बाहर उनकी बातें सुनती है। ऐसे ही बरखा अब आगे भी अनुज अनुपमा की हेल्प करेगी। दरअसल आप सीरियल में देख ही रहे हैं कि बरखा को माया के साथ साथ बा पर भी डाउट हो रहा है, क्योंकि जो बा अनुपमा को हमेशा कोसती आई है उसके चरित्र पर सवाल उठाती रही है, वो भला क्यों अनुपमा के आगे हाथ मारेगी। जी हाँ दोस्तों, शो में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बा रोती गिड़गिड़ाती हुई अनुपमा को अपने साथ ले गई है, जबकि बा को तो अनुपमा का शाह हाउस आना पसंद भी नहीं है, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बा माया के साथ मिली हुई है, क्योंकि जब से वो अनुपमा को लेकर गई है तब से ही माया अपना जाल बिछा रही है जिसमें अनुज फंसता हुआ दिख रहा है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि बा जानबूझकर अनुपमा को लेकर गई है, क्योंकि वो अनुपमा का घर तोड़वाना चाहती है। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं बा और माया की दोस्ती हो गई है, जो कि अब अनुपमा पर भारी पड़ेगी, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि भले ही देविका इस वक्त अनुपमा के पास नहीं है, लेकिन बरखा उसकी बहन बनकर उसका साथ देगी। वेल दोस्तों, माया के साथ बा के अलावा और कौन कौन मिला हुआ है, आपको किसी पर शक है? कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।